सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विद न्यू वीडियो। तो गाइज ये जो वीडियो है काफ़ी दिनों बाद आ रही है। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो जो है मेरा कब मैंने अपलोड किया था और ये जो वीडियो है वन मंथ बाद आ रही है, तो इसीलिए सॉरी गाइज। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। तो गाइज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि स्टेप बाई स्टेप ग्रिडलाइन मेथड से कैसे आउटलाइन को बनाएं। तो गाइज मैंने तो काफ़ी ड्राइंग की है, A4 पे भी ड्राइंग किया है और मैंने A3 पे भी ड्राइंग किया है, बल्कि आज मैं इन दोनों में से किसी पे नहीं करने वाला, बल्कि मैं आज A2 साइज पे करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है, तो गाइज देखते हैं कि इस पेपर पे मेरा कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। मेरा फर्स्ट टाइम है A2 साइज पेपर ड्राइंग करना, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो वीडियो जरा सा ही पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बगल में मेरा इंस्टा पेज दिख रहा होगा तो जरूर से फॉलो कर लेना और उस पर मैंने अब रिसेंट अपडेट करते रहता हूँ। तो और मैंने कुछ यहाँ पर इतने आर्ट मटेरियल को परचेज किया इस ड्राइंग को बनाने के लिए, तो इस सब का भी अनबॉक्सिंग मैं आपको वीडियो के अंदर ही दिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो आज का जो ड्राइंग मैं यूज करने वाला वो इस पेपर पर होने वाला है, और मैं जैसे डिजिटली इस फोटो पे ग्रे लाइन को ला रहा हूँ, वैसे मैं स्केल की मदद से इस पेपर पर मैं पेंसिल से ड्रॉ करूँगा ग्रे लाइन को। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मैं ग्रे लाइन को कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा ग्रिड लाइन है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, और इसमें जो है वो प्लस है और क्रॉस का ग्रिड लाइन है, और मैं इस ड्राइंग को ये अप्सरा का 14 कलर प्रीमियम यूज करने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर से देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और मैं इस मैकेनिकल पेंसिल से ही आउटलाइन को ड्रॉ करूँगा, और जैसे जैसे रिफरेंस फ़ोटो में जिस आउटलाइन के अंदर जो लाइन है उसको मैं ड्रॉ करूँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं।
गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा एक फेस है वो उसका आउटलाइन कंप्लीट मैंने कर दिया है, और जो दूसरा फेस है मैं सेम उसी प्रोसेस से ड्रॉ करूँगा इसको भी, और जिस लाइन में जो आउटलाइन है उसी को मैं सिंपली ड्रॉ करूँगा जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ। तो चलिए इसी प्रोसेस से हम आगे आउटलाइन बनाते हैं, फिर देखते हैं। तो गाइज मैं ड्राइंग कर ही रहा था और जो मैंने न्यू परचेज किया था ब्रूस्टो का ग्रेफाइट पेंसिल 12 शेडेड वाला, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं इसी से ड्रॉ करता हूँ आउटलाइन को। तो चलिए हम लोग पहले इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। Find the real me. So let's go. Seize the feeling. Cause you know, it's time for the meaning. Now we show. तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा दोनों आउटलाइन है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, और दोनों फेस जो है काफ़ी अच्छा बना है, और मैं सेम इन्हीं सारे टूल से मैं इस आउटलाइन को कंप्लीट कर पाया हूँ। और वो जो अप्सरा का प्रीमियम कलर है 14 शेडेड वाला, मैं उसे कलर करने वाला हूँ इस कंप्लीट ड्राइंग को। तो वीडियो जरा सा ही पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। We're coming winning.